अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार आपका कि मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है सिरसा, उसमें एक शहर है डब वाली। उस शहर में एक जो रेलवे लाइन जो वहां से जाती है, तो वो बिल्कुल शहर को दो भागों में डिवाइड कर देती है। और वहां पर जो भी जो मालगाड़ी जो जाती है, तो वो स्पेशल ट्रेन जब जाती है, तो वो 10-10, 11-11 घंटे के लिए फाटक आप देखिए कि बंद हो जाती है, तो पूरा शहर जो है वो एकदम से स्टैंड स्टिल की स्थिति में आ जाता है। और एक महीने में ऐसी स्पेशल ट्रेन जो है वो कम से कम भी 4-5 बार जाती है। और अगर सीजन का समय है तो आप ये देखिए कि एक दिन में एक ट्रेन भी जाती है, तो महीना भर लगातार आप 10-10, 12-12 घंटे अगर स्टैंड स्टिल हो जाएगा शहर, तो बहुत ज्यादा त्रस्त है वहां के लोग। और तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई अल्टरनेट अगर वहां पर कोई सिस्टम कर दें, और हमारी सरकार जो है वो उनको पूरा लैंड देने को तैयार है, वहां के लोग सब कुछ देने को तैयार है, लैंड देने को तैयार है, अगर कोई अल्टरनेट अगर कोई इस तरह का वहां पर माध्यम बन जाए तो उन लोगों को फिर दिक्कत नहीं होगी। और वो वहां पर लोडिंग अनलोडिंग होने के बाद और वहां से जो है वो लोग अपना आवागमन जो है वो ठीक से रख सकेंगे। और इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, सुबह 46 नंबर जो आपका क्वेश्चन आ रहा था, उसके अंदर भी बहुत अच्छी एक हमारी जो रिप्लाई दिया हुआ था, हमारे सांसद महोदय ने जो सवाल उठाया था, उसमें जो एक रेलवे लाइन सिरसा से हिसार से जो सिरसा के लिए जाएगी वाया अग्रोहा फतेहपुर, उसमें मेरी रिक्वेस्ट थी कि उसमें सरकार, हरियाणा सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो जितना जल्दी हो सके अगर उसको कर दें तो बहुत बहुत आभार होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी।